Hello students, welcome back to our science class. In the last video, I told you about the process of sewing and the tools which I used for sewing seeds, right? ठीक है. अच्छा, सीड ड्रिल के बारे में आई ऑल्सो हैड टू टेल यू कि सीड ड्रिल का क्या इसमें एडवांटेज होता है ओवर द ट्रेडिशनल टूल. ठीक है, वाई इज़ सीड ड्रिल यूज सो मच नाउ डेज. ठीक है, ट्रेडिशनल क्यों हो गया? जो टूल पहले यूज़ करते थे वो उसको ट्रेडिशनल क्यों हो गया? मतलब हम उसको पुराना हो गया इन द सेंस. ठीक है, वो ट्रेडिशनल हो गया पुराना क्योंकि हमारे पूर्वज उसे यूज़ करते थे, सो इट्स ट्रेडिशनल. वो टूल ट्रेडिशनल हुआ ही क्यों, पुराना क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जगह जो ऑटोमेटिक सीड ड्रिल है, ठीक है, वो आ गई. तो सीड ड्रिल का एडवांटेज क्या होता है कि एक तो ये जो यूनिफॉर्मली यानी इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स डालती है. ठीक है, जैसे अगर आपका ये फील्ड है तो अगर ऐसे इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है जो बुलक काट है, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो आपके सीड्स यूं गिरेंगे इक्वल डिस्टेंस पे. इफ़ यू कैन सी दीज डॉट्स, ठीक है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे गिरेंगे. ठीक है, उसमें क्या था पहले वाले में कि वो रैंडमली बंदा ऊपर से सीड डाले जा रहा है, आदमी जो सीधा ऊपर से रैंडमली डाले जा रहा है, वो कभी साथ में गिरते हैं कभी दूर गिरते हैं, तो मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं गिर रहे थे. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं गए थे. और साथ में क्या है कि ये लेबर भी रिड्यूस करता है, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप चलता है तो इसमें और लेबर की मतलब और आदमियों की भी कम ज़रूरत पड़ती है, कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो ये इसके मेन एडवांटेज है. ओके, सो ये हो गई सीड ड्रिल, सोइंग हो गई, सोइंग की बात हो गई. अब हमारी जो नेक्स्ट मेन प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, दैट इज़ योर एडिंग व्हाट, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड या और. मैन्योर सिर्फ वैसे डलता ही है, एंड फर्टिलाइजर्स आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वॉट इज़ मैन्यूअर, राइट, और वो कैसे बनता है. आई टोल दिस टू बिफोर ओनली कि ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया मैंने बताया, और आपने अगर इसके बारे में सुना हो कहीं पे राइजोबियम, या 7th क्लास में आपको पढ़ाया गया था इफ़ यू रिमेंबर. राइजोबियम इज़ अ काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रोजन बनाने वाला बैक्टीरिया. ठीक है, ये N लिख रही हूँ मैं, सिर्फ N फिक्सिंग, N फॉर नाइट्रोजन. ठीक है, लेकिन आपने नाइट्रोजन पूरा लिखना, NITROGEN, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ये राइजोबियम. ठीक है, जब भी आप राइजोबियम लिखोगे, राइजोबियम हैज़ टू बी रिटन, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इसका जो फर्स्ट लेटर है R शुड बी ऑलवेज कैपिटल, और दूसरा ये अंडरलाइन होगा. ठीक है, ये हमेशा अंडरलाइन करके लिखोगे आप इसको. ओके, सो राइजोबियम एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, इट इज़ वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट जिसको हम मिनरल बोलते हैं, मिनरल्स के बारे में आपने अगर सुना हो तो. ठीक है, नाइट्रोजन इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा. ठीक है, आपको मैंने ये भी शायद पिछली बार बताया था कि जो हमारी बॉडी में जो इनमें प्लांट्स की बॉडी में जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, एक एक प्लांट सेल होता है, जैसे कि प्लांट टिश्यू बनता है, फिर लीफ बनती है, या फिर कोई भी, नॉट जस्ट लीफ, कोई भी प्लांट का टिश्यू, चाहे वो स्टेम है, रूट है, फ्लावर है, कुछ भी, तो उसमें कोई भी एक प्लांट सेल है. ठीक है, प्लांट सेल से ही तो बनते हैं ना, प्लांट सेल तो माइक्रो मतलब हमें दिखता नहीं है, लेकिन वी नो दैट दे आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स, राइट, दे आर मेड अप ऑफ बहुत सारे, मतलब इनकाउंटेबल कह लो. ठीक है, प्लांट सेल्स विच आर माइक्रोस्कोपिक, विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आई, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दोज सेल्स, राइट. सो हर एक जो प्लांट सेल है, इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट वी कॉल एज प्रोटीन, नॉट जस्ट प्लांट बट एनिमल्स में भी, हमारे अंदर भी हर एक चीज़, जो जैसे मसल्स वगैरह बनने के लिए जो प्रोटीन हम बोलते हैं, ये दाल खाओ से बहुत प्रोटीन है, राइट, वो दाल में प्रोटीन कहाँ से आया, दाल इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट, राइट, तो वो जो प्लांट का ही सीड है, दाल इज़ ऑल्सो अ सीड है ना, आप उसी दाल को आप स्प्राउट करोगे तो दूसरा प्लांट उगाएगा, उसी दाल का प्लांट उगाएगा, यानी उस सीड में ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट. तो वो सीड भी कहाँ से निकला, सीड भी कहाँ से निकला, अब जैसे मटर होता है, मटर का दाना, अगर आप मटर के दाने को सॉइल में सो करोगे तो मटर का प्लांट उगाएगा. अब जो मटर का दाना आया कहाँ से, जो मटर का प्लांट होता है उसका जो
फ्लावर है, ठीक है, जो मटर का फ्लावर होता है, पीस जिसे बोलते हैं, पीस, मटर मीन्स पीस, ठीक है, पीस का जो फ्लावर होता है उसी से ये जो बीज हैं वो निकलते हैं, उसी जो, हाउ आर सीड्स, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं आपके, ठीक है, कोई एप्पल लोगे, एप्पल का जो, एप्पल इज फ्रूट, ठीक है, जो फ्लावर है वही बाद में जाके फ्रूट बन जाता है, जो प्लांट में जो फ्लावर होता है वही बाद में जाके फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका फ्लावर है, फॉर एग्जांपल ये जो फ्लावर होता है, इसके ये जो जितने भी ये पत्तियां हैं ये झड़ जाती हैं, और जो बीच का पार्ट होता है वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो ओवरी, जिसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है, ओवरी होता है, आपने अगर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हो आपने, अगर 7th क्लास में 6th 7th में, इसको हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है, और स्टेमेंस होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं, इसको पिस्टल बोलते हैं, सॉरी पिस्टल, ठीक है, PISTIL, पिस्टल, कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड ओवरी। स्टाइल एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन अंदर जाता है। आप छोड़ो, बस ये समझो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्यूब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टाइल है, यानी ट्यूब है, इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये हो गया ओवरी, ये होता है बेस, ठीक है, और इसके चारों तरफ आप देखोगे ऐसे पेटल्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है। तो जो ओवरी होता है, ओवरी जो होती है नीचे की, ठीक है, दिस इज ये वाई है, ठीक है, OVARY, जो ओवरी होती है दैट फॉर्म्स द फ्रूट, वो बन जाती है फ्रूट, ठीक है। और उसके अंदर ना, ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होते, सपोज ये ओवरी है, ठीक है, इसके अंदर सेल्स होते हैं जो, ठीक है, उनको बोलते हैं ओव्यूल्स। आप ये छोड़ो, आप बस इतना समझो कि ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है, और ओवरी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं सीड्स। ये कब बन जाते हैं, जब मैच्योर हो जाती है ओवरी, ठीक है, सारे जितने भी उसके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं वो सारे झड़ जाते हैं, जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं वो झड़ जाती हैं, और जो ओवरी और फ्रूट बन जाती है, जिसके अंदर सेल्स होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं। तो आप देख रहे हो ये फ्लावर कहाँ पे होगा, ये जब प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो उसका फ्लावर उगाता है, राइट। तो ये मतलब ये एक साइकिल है एक तरह से, कि वही सीड उगे, उसमें जो सीड इसमें फ्रूट में होगा वही दोबारा से हम उसको बोएंगे, फिर दोबारा से वही सेम प्लांट उगाएगा, ठीक है, ये साइकिल है एक तरह से, चलता रहता है ये, ठीक है। तो मतलब क्या है मेरा कहने का, कि जो आप नाइट्रोजन की हम बात कर रहे थे, कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, एक और न्यूट्रिएंट है जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, आप ये स्पेलिंग याद कर सकते हो, PHOS PHORUS, ठीक है, RUS, फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सीड टू ग्रो, टू जर्मिनेट, बेसिकली जर्मिनेशन के बाद और ग्रो करके सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग के बाद प्लांट में प्लांट उगेगा, ठीक है ना। तो ये जो दो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। विदाउट दीज न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स, आई मीन अ सीड विल नॉट ग्रो इनटू अ प्लांट, ठीक है। नो मैटर आप उसमें कुछ भी और डाल लो, आप उसमें सॉइल बोल रहे हो, आप उसमें पानी डाल लो, उसको धूप में रख दो, कुछ भी कर लो, नहीं ग्रो करेगा वो, ओके। सो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको ये दो न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, जो मैनुअर होता है उस केस में जितना भी डेड मैटर होता है, आपको मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन का हर एक जो ऑर्गन टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन का हर एक जो सेल होता है, ठीक है, हर एक जो बॉडी का सेल है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, उसमें भी प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन किससे बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है, ठीक है ना। तो आप ये सोचो, जब वो ब्रेकडाउन होएगा, ठीक है, जब वो मर जाएगा, तो उसके बाद वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, जब डीकम्पोज होएगा वो, राइट, जब वो डीकम्पोज होगा, डीकम्पोज का मतलब सड़ना, जब वो हम उसको जला देते हैं बॉडी को, या फिर अंदर जब उसको उसमें मिट्टी में जब खोद के डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सारा उसको डीकम्पोज करते हैं, अपने ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे कि वो कटता जाता है, और कम मतलब छोटा छोटा छोटे छोटे टुकड़ों में बट के वो सड़ने लगता है, जिससे कि ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे ऑर्गन बने होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फरस, ये आपको बताया कि हर एक सेल इससे बना होता है, जब जैसे जैसे वो मतलब सड़ता जाता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर रिलीज होते रहते हैं, ठीक है, रिलीज़ होते हैं, मतलब ये निकलते रहते हैं। ऑर्गन टूटा, ठीक है, ऑर्गन ये टूटा,
तो ये मान लो एक एक सेल, ये एक एक सेल आ गया बाहर, ठीक है। या हर एक जो सेल जिस जिस चीज़ से बना है, ठीक है, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। इनके अंदर ये ऐसा, इस पे जब ये खाते हैं इस चीज़ को, इंसेक्ट्स जब खाते हैं, जब इस पे फीड करते हैं डेड मैटर पे, तो ये इसको ब्रेक डाउन करके इसमें से जितने भी सेल्स जिस चीज़ के बने होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया नाइट्रोजन, ठीक है, और फॉस्फोरस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब मेनली ये होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो ये दो चीज़ें जब सॉइल के अंदर ही होंगी, वो तो अंदर ही हैं तो अंदर ही रहेंगी, राइट। बस ये है कि वो इस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगी कि जो प्लांट्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर सकें रूट से। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि प्लांट्स उसको, अब एज इट इज़ तो जो डेड मैटर है, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होएगा तो उसकी रूट्स, जो प्लांट की रूट्स हैं, वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगी, राइट, है कि नहीं। तो उसके लिए उसको ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, और वो ब्रेक डाउन किससे होगा, जो बैक्टीरिया होगा, जितना भी जो इंसेक्ट्स, वो ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, वो सॉइल के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। और जब हम सीड लगाएंगे तो जर्मिनेशन के दौरान वो सीड उसे, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जो सॉइल होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी सॉइल होती है, ये सॉइल है सपोज़, एक सेकेंड, ओके, सपोज़ ये सॉइल है, ओके, ये सॉइल है, ओके, जो न्यूट्रिएंट्स आपके रिलीज़ हुए हैं, ओके, जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हुए हैं, मान लो कुछ मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है, ये हो गया मान लो नाइट्रोजन, ठीक है, और ये हो गया मान लो फॉस्फोरस, पिंक वाला, ठीक है, ये फॉस्फोरस हो गया, येलो वाला नाइट्रोजन हो गया। तो ये और डेड मैटर से ब्रेक डाउन होके ये रिलीज़ हो गए, सॉइल के अंदर ही रहेंगे, राइट। तो जब सीड जब ग्रो करेगा, ठीक है, जब सीड जैसे जर्मिनेट करेगा, तो ये सारे इसके अंदर जाएंगे रूट्स के थ्रू, ये एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि ये फिर बड़ा होएगा, लीफ ग्रो होएगी, ये होएगी, वो होएगी, ठीक है। सब ये इसकी रूट्स जो हैं, ये इससे एब्जॉर्ब करेंगी रूट के अंदर। रूट बेसिकली आप समझ लो कि एक स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं, एक स्ट्रॉ, एक पाइप, जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये जो ये मतलब ये मान लो ये रूट है, ठीक है, स्ट्रॉ की तरह काम कर रहा है, इसके अंदर ये, इसके अंदर से होके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर, वाटर वाटर के थ्रू जाता है, ठीक है, वाटर के थ्रू ये जाता है रूट के अंदर, और रूट से ये ऊपर की तरफ जाता है, पूरे जो सीड एब्जॉर्ब करता है इसको, और फिर इसको हेल्प करता है ग्रो करने में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन और फॉस्फरस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। और मैन्यूअर क्या होता है, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैन्यूअर, तो मैन्यूअर रेफर्स टू द डीकम्पोज्ड डेड मैटर, ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू बाय द सीड टू ग्रो इन टू अ प्लांट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। इट कंटेन्स मैन्यूअर इज द एक सेकेंड, फॉस्फोरस हो गया ये, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ओके। सो मैन्यूअर इज़ वॉट, मैन्यूअर रेफर्स टू द डेड मैटर, इट इज़ अ डीकम्पोज्ड डेड मैटर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जैसे डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, इनका जो डेड मैटर होता है, डीकम्पोज्ड डेड मैटर, ओके, विच एक्ट्स एज अ फूड फॉर द सीड, और because it contains nutrients like nitrogen and phosphorus which are required for the growth of the seed into plant, okay, so that is what we call as manure. ek aur cheez dekho, ek aur definition hai humus ki, humus bolte hain isko, theek hai, kai log ise humus bhi bolte hain, hum isko humus bolenge. so humus kya hota hai, humus, okay, humus, हमस भी मैनुअर से ही बनता है। जब मैनुअर बिल्कुल आपने देखा होगा, जैसे जैसे चीज़ सरती जाएगी, काली काली होती जाएगी, ठीक है। और बाकी क्या होता है, अगर आप अच्छा मैनुअर बनाते कैसे हैं, जैसे फील्ड है, फील्ड के अंदर ना खोद देंगे, ठीक है, फील्ड के अंदर खोद के सारा भी जितना भी सब्जियां हैं और जितने भी डेड मैटर जितना भी है, ठीक है, वो सारा इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, और डाल देंगे। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, इसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, ऐसे वर्म्स इसमें डाल देते हैं, रेड कलर के जो अपने रेड वर्म्स, जिनको अर्थ वर्म्स बोलते हैं, ठीक है,
रेड कलर के वर्म्स होते हैं वो, ठीक है, उनको ऐसे ही ऐसे इसमें डाल देते हैं, इतने बड़े नहीं होते, मतलब बन गए हैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि इसमें ये ऐसे रेड वर्म्स डाल देते हैं जो कि डेड मैटर पे जो भी आपका गार्बेज होता है, जिसको आप डिकम्पोज करते हो, वेस्ट मटेरियल होता है, उस पर फीड करते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि डिकम्पोज करते हैं, तो एक पिट ऐसे बन जाती है, ठीक है, एक पिट बना देते हैं, पिट इसको बोलते हैं PIT, पिट। पिट मतलब खोद के एक ऐसे ज़मीन है, उसमें खोद के ऐसे एक गड्ढा टाइप बना देना, ठीक है, दैट गड्ढा इज़ कॉल्ड पिट, ठीक है। इस पिट के अंदर सारा गार्बेज डाल देंगे, ठीक है, और इसके अंदर वर्म्स भी डाल देंगे, अर्थ वर्म्स, अगर आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा हो तो क्लास सिक्स में, ठीक है, रेड वर्म्स या अर्थ वर्म्स कुछ भी बोल लो, वो डाल के उसको रख देंगे, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसके ऊपर उसको फिर सॉइल से ऊपर ढक देंगे, सॉइल से एक लेयर उस पर सॉइल की ढक देंगे, ठीक है, वो पड़ा रहेगा, एक महीना पड़ा रहेगा या कुछ ऐसे कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि वो पूरा जो अंदर मटेरियल है ना, ठीक है, वो पूरा आपको पता ही नहीं लगेगा आपने क्या डाला था उसके अंदर, ठीक है, वो गार्बेज जो आपने डाला था जिस फॉर्म में, वो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका होएगा, वो पूरी तरह सड़ चुका होएगा, ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ जो सॉइल की तरह ही बन जाएगा, वो भी जैसे ब्राउन ब्लैक कलर जो सॉइल होती है, ठीक है, आपको पता ही लगेगा उसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, सो अगर हम हमस की बात करें, ठीक है, तो जो मैनुअर है, मैनुअर क्या है, डिकम्पोज डेड मैटर, ठीक है, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ओके, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द सीड इनटू प्लांट, ठीक है, वो मैनुअर है। मैनुअर जैसे जैसे और डिकम्पोज होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे ज़्यादा डिकम्पोज होता जाता है, इट ऑल्सो टेक्स द टेक्सचर मतलब फॉर्म, एक तरह से देखने में कैसा है, ठीक है, फॉर्म ऑफ सॉइल ओनली, इट लुक्स लाइक सॉइल, आपको पता ही नहीं लगेगा, यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉइल एंड मैनुअर। When manure turns into humus, जब manure humus में बदल जाता है, ठीक है, further decomposition हो गए, अब decomposition होले होले होती है, ऐसा नहीं कि आप आठ डालोगे तो दो दिन में हो जाएगी, नहीं, it takes time, okay, तो जैसे जैसे होले होले decomposition होगी, वैसे वैसे you will observe कि जो उसका color है वो सड़ता जाएगा, जैसे जैसे जो dead matter है वो सड़ता जाएगा, उसका color change होता जाएगा, और जब वो पूरी तरह से सड़ जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो सॉइल है, डेड मैटर है, क्या है, आपने उसमें क्या डाला था डिकम्पोज होने के लिए, क्या गार्बेज डाला था, यू नॉट, आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा, वो बिल्कुल सॉइल का फॉर्म ले लेगा, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज हमस। ओके, सो इफ आई आस्क यू टू डिफाइन हमस, हमस इज हमस यू विल डिफाइन इट एज कि हमस रेफर्स टू फुल्ली डिकम्पोज या फिर कम्प्लीटली डिकम्पोज, मतलब पूरी तरह डिकम्पोज क्या डेड मैटर, ठीक है, और डिकम्पोज मैनुअर, ठीक है, सॉइल थी या क्या था, आपने क्या उसमें बोया था, दिस इज व्हाट यू नीड टू डिफाइन इन केस ऑफ हमस। ओके, सो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो हियर, नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।